अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम बनाने जा रहे हैं झटपट बनने वाले मज़ेदार से चिकन सीख कबाब, वो भी मेरे स्टाइल में। तो चलिए देखते हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने यहाँ 500 ग्राम के करीब चिकन लिया है, बोनलेस चिकन है, और इसे कुछ इस तरीके से छोटे छोटे पीस कर लिए हैं। इसके बाद अब हम इसमें 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करेंगे। इसी के साथ ही साथ 1/2 कप हरा धनिया, 1/2 कप पुदीना, 3 से 4 तेज़ हरी मिर्चें और 1 छोटे साइज़ का प्याज शामिल करेंगे, जो इस तरीके से मैंने कट कर लिया है। छोटे ही साइज़ में प्याज लेंगे हम। अब हम इसमें कुछ सूखे मसाले शामिल करते हैं, जैसे कि 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स, 1/2 टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून नमक, 1/2 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर, 1 टेबलस्पून बेसन, 1/2 मैगी का क्यूब, 1/2 टीस्पून चाइनीज सॉल्ट, 1 टीस्पून तंदूरी मसाला, 1/2 टीस्पून गरम मसाला और 1/2 टीस्पून ओरिगैनो। अब हम इसे ग्राइंड करेंगे। मैं यहाँ फूड प्रोसेसर में ग्राइंड कर रही हूँ, आप चाहे तो मिक्सी में भी ग्राइंड कर सकते हैं। सबसे पहले आप इसे मिक्स कर लें और 3 से 4 बैचेस में इसे अच्छे से ग्राइंड करके लें। एक बार हम चेक करेंगे और उसे अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें 1 ब्रेड का स्लाइस शामिल करेंगे। मैंने यहाँ 1 ब्रेड लिया है, उसे तोड़कर उसमें शामिल कर लिया है कुछ इस तरीके से। अब हम इसे फिर से ग्राइंड कर लेंगे। तो चलिए देखते हैं, देखिए हमने कितने अच्छे से इसे ग्राइंड कर लिया है। हमें कुछ इतना ही इसे ग्राइंड करके लेना है। अब हम इसे एक बोल में शिफ्ट कर लेते हैं। अब हम 1/2 टीस्पून के करीब ग्लव्स पे ऑयल लेंगे, कुछ इस तरीके से हम उसे अच्छे से लगा लेंगे। इसके बाद हम एक पोर्शन लेंगे, हमारा पोर्शन इतना होगा कि हम एक रोटी जितना लेते हैं। अब हम यहाँ 2 तरीके के सीख बनाने जा रहे हैं, चीज़ और विदाउट चीज़। तो सबसे पहले हम चीज़ बनाएंगे। देखिए कुछ पोर्शन को लेके मैंने इस तरीके से इसे फ्लैट कर लिया है। अब इसके बीच में हम थोड़ा सा चीज़ लगाएंगे। मैंने यहाँ मोज़रेला चीज़ लिया है और कुछ इस तरीके से हम इसे सील करेंगे, देख सकते हैं दोनों हाथों की मदद से। अब हम सीख की मदद से सीख बनाएंगे। मैंने यहाँ 1 सलिया लिया है, कुछ इस तरीके से हम 1 पोर्शन लेंगे, उसी तरीके से हम इसे अभी लेंगे। देखिए कुछ इस तरीके से हम इवनली प्रेस करते जाएंगे अपने हाथों की मदद से। सेम प्रोसेस से हम बाकी कर लेंगे, कुछ इस तरीके से हम हाथ से इसे अच्छे से प्रेस करते जाएंगे और बनाते जाएंगे। अब हम पैन को हीट करेंगे, साथ ही साथ उसमें 2 से 3 टेबलस्पून के करीब ऑयल डालेंगे। हमें इसे शैलो फ्राई करना है। अब हम इसमें पोर्शन डाल के चेक करेंगे। अब हम इसमें हमारे सीख रखते जाएंगे। हमें हमारे सीख लो टू मीडियम फ्लेम पे ही पकाने हैं।
हाई फ्लेम पे रखेंगे तो ये जल जाएंगे, इसका ध्यान रखें। देखिए एक से डेढ़ मिनट के बाद हम इसकी साइड चेंज करेंगे। पहले हमें एक फोक की मदद से इसे लूज कर लेना है, फिर हम इसकी साइड चेंज करते जाएंगे। इसी तरीके से हम एक से दो मिनट के बाद फिर से इसे साइड चेंज कर लेंगे। हमें इसे लो टू मीडियम फ्लेम पे ही पकाना है, कुछ 5 मिनट के लिए हम इसे पकाएंगे। हमारा चिकन का कीमा है इसलिए जल्दी गल जाएगा। देखिए कुछ इस तरीके से हमें इसे गोल्डन ब्राउन करना है, हमें इसे ज़्यादा जलाना नहीं है। हमारे कबाब रेडी हो चुके हैं, बहुत ही डिलीशियस और कलरफुल लग रहे हैं। इस तरीके से हम हमारे सारे कबाब बना लेंगे। देखिए हमारे सारे कबाब बन चुके हैं, कितने जूसी जूसी और मज़ेदार से बने हैं। आप इसे ज़रूर ट्राई करें, बहुत ही डिलीशियस रेसिपी है ये, झटपट बनने वाली और मज़ेदार सी, कभी फेल नहीं होंगी। आप इसे ट्राई करें और मुझे इसका फीडबैक ज़रूर दें। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें मेरे YouTube चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।